हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फानिया जुवेद। आज मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ फेस एंड बॉडी स्क्रब शेयर करूँगी। और ये स्क्रब होगा आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करने के लिए, आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव कर देगा और आपके फेस पे ग्लो लाएगा। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये है मेरे पास फेस स्क्रब शेयर करूँगी। और आप लोगों ने लेनी है सबसे पहले 1 टेबल स्पून आप लोगे वाइट शुगर, और ये शुगर आप लोगों ने फेस के लिए पीसनी है, ग्राइंड करके फिर आप लोगों ने इसको इस तरह का पाउडर बनाना है आपने। ये लेना है आपने 1 टेबल स्पून। उसके बाद आप लोगों ने लेनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आप कोई भी ले सकते हो। और उसके बाद आप लोगों ने लेना है फेस वॉश। फेस वॉश चाहे तो आप लोग ये वाला यूज़ कर लो, या तो आप ये वाला सेवगनी वाला। अगर फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, स्किन को लाइट एंड ब्राइट करना चाहती हैं आप लोग, तो आप लोगों ने ये वाला इसमें ऐड करना है। और इसमें मैं डालूंगी मुल्तानी मिट्टी। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और फेसबुक पे भी आप लोगों ने लाइक करना है। ये देखें, ये मुल्तानी मिट्टी है और ये मैं डालूंगी 1 चम्मच। ये मैं फेस के लिए बना रही हूँ तो आप लोगों ने 1 चम्मच लेना है, ये टीस्पून वाला है। उसके बाद आप लोगों ने फेस वॉश डालना है। आप लोग इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। अगर आप लोगों ने अपने फेस पे ग्लो भी लाना है और स्किन को लाइट भी करनी है तो आप लोग ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, तो आप लोग ये वाला यूज़ करोगे। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। ये स्किन को ग्लो भी करता है, फेस पे फेयर स्किन को फेयर भी करता है और फेस पे डार्क स्पॉट को ख़त्म कर देता है। एक्ने के जो निशान होते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। अब उनको पहले ये लाइट करेगा, फिर ये रिमूव करेगा। मैं ये डालूंगी 1 टीस्पून और इसको मैं करूंगी मिक्स। और ये देखें, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी आ रही है। और आप लोगों ने इसको अपने फेस पे कैसे यूज़ करना है, आपने अपने फेस पे इसकी स्क्रबिंग करनी है और 2 से 3 मिनट के लिए आप छोड़ दें, फिर आप सादे पानी से वॉश कर लें। आपने इसके बाद फेस वॉश बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि मैंने इसमें डाला हुआ है तो आपने यूज़ नहीं करना। और इसको यूज़ करके आपने बाद में रोज़ वाटर का टोनर लगाना है, या आप कोई भी टोनर यूज़ कर रहे हो आप लोगों ने वो लगाना है बाद में। और आपने इसको डेली यूज़ नहीं करना, आपने इसको एक दिन लगाया, दूसरे दिन स्किप किया, इस तरह आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। और इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको 1 वीक के अंदर ही इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और अब उसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं बॉडी स्क्रब। उसके लिए आप लोगों ने लेनी है 2 टेबल स्पून आप लोगों के शुगर, और ये वाली ली है मैंने थोड़ी सी आप लोगों ने दरदरी लेनी है कि ये बॉडी पे इसके जो पार्टिकल हैं वो मिक्स हो जाएं। ये ली है मैंने 2 टेबल स्पून। उसके बाद आप लोगों ने लेना है चावल का आटा। ये लिया है मैंने 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं और डालूंगी। उसके बाद आप लोगों ने लेनी है शावर जेल। मेरे पास ये वाली है, आपके पास जो भी है आप वो वाली यूज कर सकते हो। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। और ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपने इसको अपने बॉडी पे यूज़ करना है और इसको आप डेली यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी पे। और आपने इसको यूज़ करना है, उसके बाद आप लोगों को कोई भी मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको विंटर में यूज़ करोगे तो आपने इसमें आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल के 2 चम्मच डाल के इसको फिर यूज़ करना है। और उसके बाद आप लोगों ने फेस बॉडी पे सोप या शावर जेल बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, क्योंकि मैंने इसमें डाली हुई है। और इसको यूज़ करें और अपने रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।